अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुइज़ इशफाक और अगर आप हमारे चैनल मैनिमल यूनिवर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पैट्रियन पर क्लिक कीजिए और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, खुश आमदीद बिजन टॉक की नई एपिसोड में। एपिसोड नंबर 64 में आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेरा बहुत ही पुराना जो कि राठी ट्रिपलर, जिसको मैंने एक सेपरेटली भी आप लोगों को शॉप करवाया था, उसका जो मैंने ब्रीडिंग प्लान कर रखा था आपको बताया था कि मैं चाहता था इसके साथ एक बुडापेस्ट मादा को ब्रीड किया जा सके जो बुडापेस्ट कबूतरों में से बनी हो। तो मैंने शाहजहांपुरियों में से बहुत ढूंढी क्योंकि इराकी डायरेक्टली ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल था इस कबूतर के लिए। ये कबूतर मेरे पास तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7 से 8 साल हो गए हैं इसको। मैं एक कली का बच्चा लाहौर से लाया था और उस वक्त हमें नहीं पता था ये क्या चीज़ है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कबूतर असल में है क्या। इसने बहुत सारे मिक्सेस के ऊपर भी बेतहाशा रिजल्टेड बच्चे बनाए टीडीओं के साथ, जिसको हम नॉर्मली टीडी कहते हैं, यानी फैंसी सहारनपुरी मिक्सेस के साथ भी इसने बहुत ज़बरदस्त बच्चे बनाए। इसने सियालकोटी जो कबूतर हैं उनमें बहुत शानदार बच्चे बनाए इसने। तो इसका एक फ़ाइनल, क्योंकि ये बुडापेस्ट वर्जन इराकी टिपलर टाइप चीज़ है, आप इसका फेस स्टाइल देख सकते हैं, ये छोटी सी चोंच का कबूतर है। नेक ऑल दो आपको शायद लग रही होगी कि इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ कहीं बैक मारा हुआ कबूतर है, प्योर ब्रेड नहीं है। ये मैं क्लियर कर दूँ लोगों को, ऑल दो इसका आपको जो फीचर्स नज़र आ रहे हैं वो आप लोगों को शायद बिल्कुल प्योर नज़र आ रहे हों, लेकिन ये प्योर जब मिक्स करते हैं और उन मिक्सेस में से कहीं बैक आ जाता है कबूतर तो इस किस्म की कंडीशन आती हैं। तो मैं एक बुडापेस्ट कबूतरी लाया था, बुडापेस्ट मिक्स मादा थी वो, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि मैंने अपने कल्सरे कबूतर के साथ लगाई थी। वो नर इत्तफाक से बच्चा भराते हुए ही मर गया, उसका बच्चा भी मरा वो भी मरा, ये एक एक दिन के दौरानिए में हुआ पिछले दिनों में। फिर मैंने इस मादा को, क्योंकि मैंने इस नर के साथ ही लगाना था, तो ये मादा मैंने इसके साथ अब पेयर अप कर दिए। माशाल्लाह से ज़बरदस्त कबूतरी है, मैं इससे बड़ा ज़्यादा जो है मैं चांस लिया हूँ कि ये मादा जो है मुझे कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ बना के देगी। अभी रिसेंटली इन्होंने एक बच्चा भी निकाल दिया ये आपके सामने, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये मादा बहुत ही होलसेल किस्म की मादा है, आप इसका हेड शेप देख सकते हैं। गोल मैंने इस मादा को आपको सेपरेटली भी शॉप कराया था, छोटी सी चोंच की कबूतरी है और है मेरे पास कोई इसका एग्जैक्ट रिजल्ट होगा मेरे पास से कहीं से कभी है ये बुडापेस्ट मिक्स। मैं इसमें अगर क्लियर नहीं तो मैं आपको इसका स्नैप एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जो कि आप देखिए इस वीडियो में साथ में, और साथ में मैं आपको बुडापेस्ट भी कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि क्या रीज़न है कि मैं इसको बुडापेस्ट कह रहा हूँ। तो आप ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीर के अंदर जो इसका पूरा हेड शेप नेक शेप सामने आ रहा है वो इस कबूतरी का क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये कबूतरी बुडापेस्ट में से बनी हुई है। बड़ी ही सियान रखने वाली है मादा है। अभी आप देखें अपनी जगह पे पहुंच गई है, बच्चे की जगह पे, और इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं इसको जल्द से जल्द जो है इसके बच्चे के पास छोड़ दूँ। तो दोस्तों ये मेरा एक लेटेस्ट पेयर जो मैंने फ़िलहाल पेयर किया है इसको, और इसका जो बच्चे आएंगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिज़ल्ट शेयर करूँगा। कुछ और पेयर जो मैंने आपसे शेयर किए थे उसके मैं एक के आपके साथ बच्चे शेयर कर चुका हूँ, बाकियों के भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। पिजन टॉक का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ डिटेल्स। मैं इस जेनेटिक्स और डिजीज़ के हवाले से भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ बात करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, शॉर्ट वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद अगली वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके इन कबूतरों के बारे में। शुक्रिया।